तो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके पास ये एक मेल तो आया होगा, जैसे कि मुझे 9 मार्च को ये मेल आया था, आप देख सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एडसेंस अकाउंट में अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपका वीडियो अगर US में वॉच हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट में आपका वीडियो अगर देख रहे हैं कोई लोग, तो उनमें से आपका जो अर्निंग होता है उस अर्निंग में से आपको 24% का टैक्स लगेगा। अगर आप यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। अगर आपका वीडियो US में वॉच हो रहा है तो आपका वीडियो अगर इंडिया में वॉच हो रहा है, टोटली इंडिया में वॉच हो रहा है, तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप मान लो कि आपका टोटल जो वीडियो है US में 10% वॉच हो रहा है, US में 10% देख रहे हैं, इंडिया में 90% वॉच हो रहा है, यानी कि 10% का जो अर्निंग होता है उस अर्निंग में से आपको 24% का टैक्स लगेगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 15% का टैक्स लगेगा सिर्फ। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एडसेंस अकाउंट होता है, एक है इंडिविजुअल का और एक है बिजनेस का। तो यहाँ पे आपका अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के तरीके से आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के तरीके से आपको अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है अपना एडसेंस अकाउंट में। तो ये जो एडसेंस का टैक्स इन्फॉर्मेशन है आपको 31 मई तक भरना होगा। ये लास्ट डेट है 31 मई तक, लास्ट डेट है 31 मई तक आपको भरना ही होगा ये टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सोहाय में हो सको आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको जाके अपनी एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद गाइस आपके एडसेंस अकाउंट में एक नोटिफिकेशन नजर आएगा, ऊपर देख सकते हैं आप मेरे एडसेंस में देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके एडसेंस में नजर आएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैनेज टैक्स इन्फो पे। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद गाइस आपके मोबाइल में ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जीमेल आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज त्रिलोचन मेहर। मेरा नाम त्रिलोचन मेहर है इसीलिए त्रिलोचन मेहर यहाँ पे लिखा है। अगर आपका जो नाम है यहाँ पे लिख देगा, जो एडसेंस में जो नाम डाले हो वही नाम ऊपर लिखेगा। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बताना है। आपका अकाउंट अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल यहाँ पे आपको राइट टिक पे क्लिक करना है। अगर आपका नॉन इंडिविजुअल है बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे टिक पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो नीचे आपको क्लिक करके ये फॉर्म भरना है। अगर आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट में ये फॉर्म भरना है। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ सोल ओनर और सोल एंटिटी। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस ओनर है, सोल ओनर है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो मेरा यहाँ पे गलती से बिजनेस अकाउंट हो गया है, मैं इसे चेंज कर नहीं सकता, इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इसलिए ये फॉर्म भर रहा हूँ मैं बिजनेस अकाउंट का। तो यहाँ पे उसके बाद नीचे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज द लीगल और सोल ओनर्स नेम। यहाँ पे आपको आपका सोल ओनर जो है इंडिविजुअल है या एंटिटी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अगर आप US वाले हैं तो यस पे क्लिक करना है। अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। हम तो इंडियन हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्म नज़र आएगा। तो यहाँ पे W8BEN एक है और एक है W8ECI। तो यहाँ पे आपको W8BEN पे ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका इंडिविजुअल है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस है तो नीचे क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे क्लिक करना है नीचे। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपका नेम लिखा हुआ दिखाई देगा, नेम ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे नीचे आपको DBA आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस का नाम लिखना है। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा कंट्री इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैं, तो उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको फॉरेन टिन देना है।
यहाँ पे टिन का मतलब है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे टिन पे आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। तो चलो मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। जो एड्रेस आप अपने एडसेंस पे दिए हो वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलो मैं अपना एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको राइट टिक पे क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ट्रीटी पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और नीचे लिखा हुआ है रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लाइमिंग ट्रीटी विथ द US। तो यहाँ पे आपको राइट टिक पे क्लिक करना है और अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। हम US से नहीं है तो यहाँ पे राइट टिक पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इंडिया पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे सर्विस एडसेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, राइट टिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल 7 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 7 पे क्लिक करना है और यहाँ पे 0 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 0 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे राइट टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे आर्टिकल 12 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 15% पे क्लिक करना है और यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे राइट टिक पे क्लिक कर सकते हैं अदर कॉपीराइट पे। तो यहाँ पे क्लिक करना है, आर्टिकल 12 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 15% रिड्यूस रेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं W8BEN साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो फॉर्म सही है कि नहीं आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल लीगल नेम लिखना है। तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड में जो नेम है वही नेम आपको लिखना है, सही से लिखना है। तो चलो मैं अपना पैन कार्ड का जो नेम है वही नेम लिख लेता हूँ। और नेम लिखने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नो पे क्लिक करना है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएगा, ऊपर के ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका पेमेंट, जो पेमेंट है आपके अकाउंट में रिसीव हुआ है पहली बार हो रहा है तो यहाँ पे आपको ऊपर पे क्लिक करना है। अगर आपका पेमेंट जो है हो चुका है, आपका पेमेंट पहले से हो चुका है, 2-3 बार आप पेमेंट ले चुके हैं तो यहाँ पे नीचे पे राइट टिक पे क्लिक करना है। अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया, पहली बार आने वाला है तो यहाँ पे आपको ऊपर पे राइट टिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं नीचे पे क्लिक कर लेता हूँ, मेरा पेमेंट तो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे राइट टिक पे क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन ये फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा कुछ फिलअप हो चुका है और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 15% का टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं W8BEN, यहाँ पे देख सकते हैं ये 15% मोनिटाइज पिक्चर एंड टीवी का और यहाँ पे अदर्स कॉपीराइट का भी 15% हो चुका है और यहाँ पे सर्विस का 0% हो चुका है, ये क्लेम हो चुका है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस सारा कुछ फिलअप होने के बाद यहाँ पे आपको एडसेंस से बैक में चले आना है, आपका एडसेंस फिलअप हो जाएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाएगा। तो फिलहाल आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस में जाकर कैसे भर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।